जाओ इधर से, उधर तेरा चल आजा बेटा आजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं आपका भाई मोनिस अख्तर फैजी हाजिर हूँ एक लाइव अपडेट के साथ। उम्मीद है तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको भी मैं बता दूं, इस वक्त शहाब भाई की लाइव लोकेशन जो है वो अजमेर शरीफ है। आप तमाम हजरात अच्छे तरीके से जान चुके होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि शहाब भाई इस वक्त अजमेर शरीफ में है। इसी बीच अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी भी देने के लिए वो गए, लेकिन जब वो हाजिरी देने के लिए गए तो वहां के खादिम से जो है वो झगड़ा हो जाता है। क्या मामला होता है मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में हम तफसीर से उस पर बात करते हैं। ख्वाजा की निगाहों का करम देखा, मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत दे। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? ख्वाजा करम करेंगे। मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगत, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, उधर तेरा चल आजा बेटा आजा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपने वीडियो देखा, वीडियो में आप देख सकते हैं इस खादिम ने किस तरीके से शहाब भाई को जो है परेशान किया। शहाब भाई जो है दुआ मांग रहे थे, दुआ मांगते मांगते एकदम खादिम आता है और जो है उनके सर पे हाथ रख देता है। शहाब भाई दुआ मांग रहे थे तो उन्होंने सर पे से हाथ हटा दिया, फिर कांधे पर हाथ रखता है, फिर शहाब भाई हटा देते हैं। लेकिन फिर जो है ये खादिम जो है उनसे कहता है कि आप दुआ मांग रहे हैं, लेकिन यहां पर दुआ सिर्फ हम ही करते हैं, हम ख्वाजा के दरबार के जो है खादिम हैं तो हम ही दुआ करते हैं, और बहुत तरीके की बातें करता है, आप तमाम हजरात ने देख लिया होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये लोग जो है ये इस तरीके के मुजाविर जो है मज़ारों पर बैठे हुए होते हैं, ये सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए बैठे होते हैं। ये इसलिए शहाब भाई के पास आया कि थोड़ी सी जो है पॉपुलैरिटी मिल जाएगी मुझे, और साथ ही साथ कुछ पैसा भी दान कर दे, हो सकता है शहाब भाई कुछ पैसा दान कर दें। लेकिन शहाब भाई अच्छी तरीके से जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर कुछ दरगाहें ऐसी हैं जिन पर इन लोगों ने, इन खादिमों ने लुटस मचा रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी जो खुद्दाम बैठे हुए हैं, ये एक नंबर के चोर हैं, अव्वल दर्जे के चोर हैं। इसी तरीके से ये जो है जो भी जाता है उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, हाथ रख देते हैं और तरह तरह की बातें करके जो है उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इन्होंने किस तरीके का रवैया किया आप तमाम हजरात ने देखा। आप तमाम हजरात क्या सोचते हैं कि किसी भी खादिम को, क्या इन लोगों ने किसी भी दरगाह को अपने बाप की जागीर समझ रखा है, या किसी दरगाह को ये समझ रखा है कि ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई है, ये इससे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप तमाम हजरात क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जितने इस तरीके के खुद्दाम हैं वो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लोगों की आस्था के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं। आप तमाम हजरात क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और शहाब भाई के लिए दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शहाब भाई के सफर को आसान फरमाए, उनके सफर को अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी से मुकम्मल फरमाए, उनके हज को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। गुजारिश है इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक जरूर पहुंचाइएगा, और इस खादिम की जो असलियत है तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो जो अजमेर शरीफ जाए इस खादिम से सावधान रहे। गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।